शहीद हुए सेना के जवान सुधीश कुमार यूपी के संभल के रहने वाले थे, सिर्फ 24 साल की उम्र में मिली शहादत। पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर तोड़कर की फायरिंग, सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, राजस्थान के दौसा से थे घनश्याम गुर्जर। उरी में हमला करने आए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सीढ़ी लगाकर पार की थी एलओसी, सेना की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था, हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। गोवा में चल रहा 5 देशों के संगठन ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन खत्म, आतंकवाद के लिए के खिलाफ साझा अभियान के लिए राजी हुए 5 देश। ब्रिक्स के बाद बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के संगठन बिम्स्टेक की बैठक में उठा पाक समर्थित आतंकवाद का मुद्दा, प्रधानमंत्री ने साधा पाकिस्तान पर निशाना। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान का प्यारा बच्चा, बोले पाकिस्तान के अलावा दक्षिण एशिया के सभी देश शांति चाहते हैं। आतंकवाद पर चीन के दोहरे रवैये पर प्रधानमंत्री ने सुनाई खरी खरी, कहा आतंक को समर्थन देने वालों की तरफदारी से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में 37 बार आतंकवाद का जिक्र, लेकिन पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम नहीं है इसमें। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने पर प्रधानमंत्री को मिला कांग्रेस सांसद शशि थरूर का साथ, बोले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में मुद्दा उठाना सही फैसला। ब्रिक्स देशों के दौरान नेपाल, भारत और चीन के बीच हुई अहम बैठक, प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाल को बताया भारत चीन के बीच अहम कड़ी। गोवा में बिम्स्टेक की बैठक के बाद दिल्ली आएंगी म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू ची, सरकार में आने के बाद सू ची की पहली भारत यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर हैं सू ची, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से करेंगी मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, आरएसएस की बैठक से लौट रहे रुद्रेश पर बदमाशों ने किया था धारदार हथियार से हमला। कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगा आरएसएस, आरएसएस ने कहा संगठित तरीके से संघ के कार्यकर्ताओं को मिटाने की है कोशिश। महाराष्ट्र के पुणे के तालगांव में बीजेपी नेता सचिन शेलके की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, 3 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे बीजेपी के संपर्क में। उत्तराखंड में कांग्रेस के से बगावत कर चुके भाई विजय बहुगुणा के जरिए बीजेपी के संपर्क में, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जमकर खींचतान के बीच चाचा शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश को सीएम बनाने का प्रस्ताव वो खुद रखेंगे। मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं अगली बार जीते तो सीएम कौन बनेगा ये विधायक तय करेंगे, परिवार में चल रहा है बड़ा झगड़ा। केंद्र सरकार अयोध्या में भगवान राम का म्यूजियम बनाने जा रही है, रामलला जहां इस वक्त विराजमान है उसे करीब 15 किलोमीटर दूर बनेगा ये म्यूजियम। म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन को भी चिन्हित कर लिया गया है, 18 अक्टूबर को जमीन देखने अयोध्या जा सकते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। अरविंद केजरीवाल की सूरत रैली में भारी हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प, ब्रह्म समाज और पाटीदारों ने किया केजरीवाल का विरोध। केजरीवाल की रैली की सुरक्षा के लिए रखे गए थे बाउंसर, काली टी शर्ट पहने बाउंसर की तैनाती को लेकर विरोधियों ने उठाए सवाल। केजरीवाल ने आरक्षण की मांग कर रहे पटेलों को लुभाने के लिए जमकर कोशिश की, आंदोलन चला रहे हार्दिक पटेल को बताया सबसे बड़ा देशभक्त। मुंबई से लगे ठाणे और रत्नागिरी के चिपलुण में मराठा रैली में जुटे हजारों लोग, पिछले महीने से निकाल रहे हैं मौन रैली। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग 16% आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं, पिछली सरकार ने आरक्षण दिया था लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हरियाणा के हिसार के अमरोहा में चल रहे वैश्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बोले मजबूत सरकार के चलते किसी देश में आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है। 3 तलाक मामले में ब्लॉक लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जेटली ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के हिसाब से होना चाहिए, 3 तलाक को भी समानता के अधिकार से जोड़कर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 3 तलाक का मुद्दा, हलफनामा देकर 3 तलाक खत्म करने की बात कह चुकी है सरकार, मुस्लिम संगठन विरोध में है। राजस्थान के टोंक में पाली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मंच अचानक टूटा, हादसे के बाद मची भगदड़।
अशोक गहलोत के भाषण के बाद उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ मंच पर आ गई, जिससे मंच टूट गया। इलाज के बाद गहलोत बोले, बिल्कुल ठीक हूं। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने दी बधाई, शरद यादव की जगह अध्यक्ष बने नीतीश। बिहार के राजगीर में चल रही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज आखिरी दिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार भाषण देंगे। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरसिम्हा राव विकास पुरुष थे, जिन कामों का श्रेय नरसिम्हा राव को मिलना चाहिए था वो मनमोहन सिंह को दिया जाता था। 26 दिन से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मिले सुपरस्टार रजनीकांत। तमिलनाडु के मदुरई में नुकीले कांटों पर लेटकर एक शख्स ने मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना की है। पाक कलाकारों पर रोक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाले फिल्मकार को गायक अभिजीत ने बताया देश विरोधी, बोले मोदी जी आप बढ़े चलो, इन्हें हम संभाल लेंगे। अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप 25 दिसंबर को पाकिस्तान में थे, आपने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी। इसी वक्त तो करण जौहर ऐदिलिया मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। जेएनयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा छात्र नजीब 3 दिन से गायब है, परिवार ने दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला। वामपंथी छात्र संगठन आयसा ने एबीवीपी पर लगाया नजीब को गायब कराने का आरोप, एबीवीपी ने कहा झूठे आरोप लगाकर दिया जा रहा है सांप्रदायिक रंग। जबरन पैसे वसूलने के आरोप में गुजरात के सूरत से गिरफ्तार आप विधायक गुलाब सिंह को दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है। दिल्ली के मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह पर 2 प्रॉपर्टी डीलर ने लगाया था रंगदारी का आरोप, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। नोएडा में त्योहारों से पहले यूपीएटीएस की बड़ी कामयाबी, 10 नक्सली गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में करने वाले थे बड़ी वारदात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस ने रॉ मटेरियल के साथ 800 नकली सिक्के भी बरामद किए, ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में गुप्त रूप से ये सिक्के सप्लाई भी करता था। दिल्ली के एक दुकान में राजस्व विभाग का छापा, छापे में 20 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए कैश जब्त। दिल्ली के अमन विहार में मामूली झगड़े में युवक की गैंची से कूदकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी में भगदड़ में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, घटना पर अखिलेश सरकार और प्रशासन को जमकर सुनाई। वाराणसी में जय गुरुदेव की जयंती पर हो रही रैली के दौरान पुल टूटने की अफवाह के बाद मची थी भगदड़, 25 लोगों की हो गई थी मौत। यूपी के शामली में गैंगरेप पीड़िता को दबंगों ने गोली मारी, महिला की मौत, मुकदमे की पैरवी के लिए कोर्ट जा रही थी महिला, 4 दबंगों ने कुछ महीने पहले किया था गैंगरेप। यूपी के कन्नौज जिले में 2 अलग अलग जगहों पर मिट्टी का टीला धस जाने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मथुरा हाईवे के गोवर्धन चौराहे के पास प्राइवेट बस की चपेट में आने से महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी। यूपी के देवरिया में प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों का हंगामा, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी की सोने की चेन छीनी, बाइक सवार दंपत्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के बलात्कार का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी के मलदेय चौक के पास 2 पक्षों के में मामूली विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई लोग जख्मी। अमृतसर में बीएसएफ की 88 बटालियन के जवानों ने आज एक खेत से लगभग 3 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद की, हेरोइन की कीमत 20 करोड़ रुपए के आसपास। पंजाब की बठिंडा में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, लोगों ने मोटरसाइकिल को रस्सियों से खींचकर विरोध जाहिर किया। बिहार के बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में लगी भीषण आग, आग से किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं। मुंबई के वकोला के पास आरटीए कार्यकर्ता भूपेन वीरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वकोला में अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे भूपेन। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक युवक को पकड़ लिया है, युवक के पास से करीब 30 लाख रुपए की अवैध विदेशी करेंसी जब्त। मुंबई से सटे थाने में छेड़खानी के आरोपी युवक को 2 लड़कों ने कपड़े उतारकर बुरी तरह से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के आईटीओ में बीती रात भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर हुई चकनाचूर, कार सवार 5 लोग जख्मी। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के दाखिल होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दरगाह ट्रस्ट दाखिले के विरोध में। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भोपाल गैसकांड में मारे गए लोगों की याद में मध्यप्रदेश सरकार स्मारक बनाएगी, 20 करोड़ की लागत से बनेगा ये स्मारक।
2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसाव हुआ था, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में देश की होनहार बेटियों को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली 17 बेटियां सम्मानित हुई। अभिनेता आमिर खान ने सत्यमेव जयते वाटर कप के दूसरे एडिशन की शुरुआत की। पानी बचाने को लेकर अलग अलग गांव में होती है ये प्रतियोगिता। पिछले एडिशन में महाराष्ट्र के 116 गांवों ने लिया था हिस्सा। सामाजिक मुद्दों से जुड़ा टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते होस्ट करते हैं आमिर खान। रियो ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक। दिलाने वाली साक्षी मलिक ने रविवार को पहलवान सत्यव्रत कादियान से सगाई कर ली है। स्कूल के समय से दोस्त हैं साक्षी और सत्यव्रत। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने को लेकर आज फिर निर्देश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने में अड़चन डाल रहे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का फंड रोकने का आदेश दे दिया था। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के दफ्तर पर हमला। हमले के बाद दीवार पर शहर छोड़ने की धमकी भी दी गई है। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप। हिलेरी ने हमले की निंदा की है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप। आरोप है कि ट्रंप ने जीत के लिए हिलेरी से जुड़ी जानकारी हैक करने के लिए रूस से मदद मांगी। विवाद होने पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कटाक्ष कर रहे थे। थाईलैंड के राजा की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए फेसबुक ने पूरे देश में अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाने बंद कर दिए। चीन ने अंतरिक्ष में भेजे 2 वैज्ञानिक। दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां 30 दिनों के लिए रहेंगे। 2022 तक अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है चीन। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ को फील्ड मार्शल की उपाधि देने की मांग। एक वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दी अपील में देशहित का हवाला दिया। वियतनाम के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ से भारी तबाही। 21 लोगों की मौत और करीब 8 लोग लापता। ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर लोगों से यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं जाने की अपील की है। फ्रांस के एक शहर में मकान का छज्जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत। 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चीन में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मनाया गया। चीन के आसमान में भारी संख्या में रंग बिरंगे बैलून भी देखने को मिले। सीरिया में चल रही भीषण युद्ध की तस्वीरें सामने आई है। सेना ने जारी की बमबारी और रॉकेट दागने की तस्वीरें। जिम्बाब्वे में गैंडे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी मशक्कत के बाद गैंडे के चेहरे में फंसे टायर को किसी तरह से निकाला गया।